देख स्वाति, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, खुशी का त्योहार है ना। अरे कितने से देखो, कितना से तुम आती, पूरा घर कितने सजाई हो, अब रो रही हो, क्या फायदा, यहाँ पे तो वो लोग है ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं दैस खान। दोस्तों आज मेरे साथ है रति, और आज अभी जो है दिवाली की शाम है, और मेरे साथ से भी क्या क्या है ये मैं दिखा दूँ। कुछ मिठाई है और ये कुछ पटाखे फुलझड़ी वगैरह हैं। क्यों मेरे साथ से के पीछे का मैं एक छोटा सा रीज़न बता दूँ। दरअसल रति की एक फ्रेंड है, स्वाति नाम है उसका, यहाँ पास में ही रहती है। दरअसल रति बताई उसके बारे में कि दानिश मेरी एक फ्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। उसके अपसेट के पीछे का रीज़न क्या है, रति तुम पूरी बात बताओ कि क्या बात है, एक चीज से एक्सप्लेन कर दो। नानी, स्वाति के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही था, मतलब वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और अभी मतलब क्या हुआ है ना उसके साथ, लॉकडाउन में उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, और वो इकलौती थी अपने मतलब माँ बाप की बेटी, उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, और मतलब समझ सकते हो ना कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेली है। और सोचिए फेस्टिवल के सीजन में कोई लड़की, ज़्यादा एज भी नहीं हो रहा है, 20+ है, तो होता है ना उसको कितना अपसेट वो होगी। बिल्कुल, और मतलब इतना उस सुबह से इतना रो जा रही है, मैंने बोला भी चलो बटपुरी के नहीं घर पर नहीं छोड़ के जा सकते ऐसे, तो मैंने इसलिए तुमको बोला है, कुछ कर सके हम उसके लिए। दोस्तों रति जब बताई ये चीज़ कि यार दानिश कुछ किया जाए, मैंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं, क्योंकि यार इंसान है यार, खुदा कब किसको बुला ले अपने पास, तो ज़िंदगी है भाई, जीना पड़ेगा ही। ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है छोटा सा, कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये वीडियो अगर बन जाए, मैं कोशिश करूँगा जो स्वाति है उसके चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल दिला पाऊँ, ये रियलाइज़ करवा लूँ कि ठीक है यार, जो है अच्छा है, ज़िंदगी अच्छे से निकालना है। अगर हो जाए तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और यार क्या ही बोले, चलते हैं यहाँ से, और ठीक है दोस्तों मिलते हैं वीडियो। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उसके घर के पास, चंदन तैयार हो रहा कैमरा लगा के, ठीक है, तू डर जा अभी, ठीक है वहाँ पे चलते हैं, तुम अपना बस कैमरा। ये हम सभी लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए हैप्पी दिवाली। तुम तो आए नहीं, मुझे तुम्हारे लिए तुम आए तो नहीं, काम था बस। क्या काम था भाई, आज के दिन भी काम काम, हम लोग छोड़ के बैठे हुए, बहुत प्यार लग रहे हैं। चंदन तुम भी चलो यार, आज के दिन भी वीडियो बना रहे हो, मैं बना रहा हूं, ब्लॉग शूट कर लेते हैं तुम्हारे साथ, आ जा। अरे नहीं कुछ कुछ नहीं, अरे शादी बैठ ना, मिठाई खा ले, चल चल हो गया हो गया, तेरा हमको लेना खाना था ना, तो ले खा ले, चल तो बैठ, आना चाहिए ऑफिस यार। हाँ बोले कि चल ऐसा बताओ, कितना जबरदस्त सजाई हो, यार फिर ऐसा रोना का है, चुप हो जा भाई, रो रही है यार, बताओ देख स्वाति ऐसे बताओ यार, है इसलिए तुमको बोले थे कि ऑफिस आ जा थोड़ा सा, वहाँ पे माहौल में रहोगी अच्छे से तो ठीक रहेगा। चुप चुप हो जा, नहीं नहीं रो, नहीं रो, चुप हो जा, अरे ठीक है ना, चुप 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 हो जाना, चुप हो जा बच्चा, चुप चुप, क्या रो रही है, रो क्या रही है, रो क्यों रही है, चुप 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 हो जा बच्चा, चुप चुप चुप, पिछले साल में अपने मम्मी पापा के साथ थी, आज अब बता जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं ना यार, तो भगवान का लिखा हुआ है ना, उसमें क्या करते, नहीं रुक फिर तो चुप हो जाओ ना रे,
चुप 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 क्या करे यार तो कितने से तो होने से क्या अच्छा ये बताओ ठीक होगा होने से सब ठीक नॉर्मल हो सकता है तुम ही बताओ वो देखते हैं तो कोई बहुत बुरा लगता कितना होगा? कितना बुरा लगेगा अगर तुम्हारे मम्मी पापा देख रहे हैं कहीं से भी अगर देख रहे हैं भगवान के पास से तो कितना वो उनको बुरा लगता होगा कि मेरी बेटी किस कदर है क्या करूं दादी बहुत अकेला फील होता है अकेला तुमको इसलिए तो बोल रहे हैं तुमको कि सुनो चाहिए होता है ठीक है सब चीज ठीक है देखो पति वो ऐसा चीज है ना कि उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते चाह कभी कुछ नहीं कर सकते बट हम लोग के बस में जो है हम लोग वही करेंगे स्वाति इसलिए तुमको बोले थे रति बोली थी ना तुमको कि तुम आ जाओ ऑफिस में थोड़ा सा हम लोग हंसी खुशी माहौल में रहोगी अकेले घर में रहोगी जितना अकेले रहोगी ना उतना काटेगा यार अजीब हमको पता है इंसान के जाने का जो दर्द होता है ना पता है माँ बाप बहुत जरूरी होते हैं दुनिया में उनके जो लेकिन अब क्या कर सकती है कुछ नहीं कर सकती है ना बस इससे रोए कि उनको देखेंगे तो उनको बहुत चुप 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 हो जाए चुप हो जाए देख स्वाति ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा खुशी का त्यौहार है ना अरे कितने से देखो कितना से तुम पूरा घर कितने सजाई हो अब रो रही हो क्या फायदा यहाँ पे तो वो लोग है ही नहीं तो वो देखते उनको बहुत बुरा लगता है वो लोग हैं कौन बुरा नहीं है वो लोग हैं हर एक जगह पे हर एक घर में बसे हुए हैं देख रहे तुमको कि रो रही है उनकी बेटी ऐसे प्यार करती हूँ मम्मी पापा से प्यार करती हूँ हाँ तो बस इतना समझो कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं अब वो तो अभी भगवान के बहुत नज़दीक है ना तो फिर वो जितना हो सके तुम्हारे लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपना बुरा लगता होगा कि यार इस कदर तुम रो रही हो त्योहार के दिन नहीं है ना दानिश वो लोग तुम्हारे उनकी जरूरत तो मुझे नहीं है मैं तो अनाथ जैसी हो गई हूँ क्या कीजिएगा भगवान का जो चाहा वो अपना कर रहे हैं कोई नहीं है मेरा ऐसे क्या बोलती है हम लोग है ना उनका कमी कोई नहीं पूरा हाँ वो है ये चीज मानते हैं हम उनका कमी नहीं पूरा लेकिन हम लोग हैं चुप ऐसे नहीं बोलो अकेले हो गए हम लोग है ना चुप चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा शांत शांत पानी लिया यार देख स्वाति ऐसा कैसे होगा बताओ जिंदगी है ना देख जिंदगी है ना जीना पड़ेगा ना अजय से तू थोड़ा सा हंस के खेल के जियो अच्छा लगेगा तुमको भी अच्छा लगेगा तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ से अच्छा लगेगा पानी पियो रोना बंद कर पहले पानी पियो स्वाति पानी पी बगल में ऑफिस है आ जाती है ऑफिस में जब भी कौन बोला है अकेले घर में रहने के लिए जितना अकेले रहोगी ना उतना तकलीफ होगा अंदर से बोल रहे सुबह से कि चलो वहीं चलते हैं नहीं तो मेरे घर पे चलो बिल्कुल तो बोल रही है कि नहीं यहीं पे रहेंगे अच्छा नहीं घर खुला बंद के नहीं जा सकते ठीक है तो हम लोग यहीं पे रहेंगे रात भर यहीं पे पटाखा वटाखा बम बम फोड़ेंगे तुमको कोई तकलीफ इस चीज से हाँ तुमको कोई तकलीफ इस चीज से नहीं तो ये भगाएगी भी तो हम तो एक काम करते हैं यहीं पे बिछा देंगे इतना अच्छा रंगोली बनाई है इतना टैलेंट कहाँ से है इतना टैलेंट अरे हाथ ना रे मोटी कितना कंजूसी मिठाई खिला दिया इसको पहले मिठाई पर खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खेलते निकालोगी अच्छा लगेगा मम्मी पापा भी खुश रहेंगे जब भी देखेंगे कि हाँ लग रहा है कभी खाई नहीं है देखना कैसे फाड़ रही है देख 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 अब भगवान कब किसको बुला ले अपने पास कौन जानता है सब छीन गया कुछ नहीं खत्म हुआ है कुछ नहीं छीना है बस इतना है अब तुम अपना अब तुम अगर अच्छे से नहीं रहोगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा बहुत तकलीफ होगा
ये यार कम से कम अपने लिए नहीं, मम्मी पापा के लिए, किसी के लिए हंसते रहो खेलते रहो यार, एकदम रोना नहीं अब, ठीक है। और दूसरी बात यार दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था यार, जिंदगी में किसी तरह का मोड़ है, प्लीज यार हंसते रहो यार बस। और आप सभी को मेरे तरफ से, इसके तरफ से, आप पूरे टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली यार।